मेवालाल चौधरी को बिहार का शिक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद विपक्षी दल नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। शिवानंद तिवारी से लेकर लालू यादव तक ने मेवालाल को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। मंत्री बनने के बाद मीडिया की सुर्खियों में आए मेवालाल चौधरी कौन है और क्यों विपक्षी उन्हें घोटाले का आरोपी बता रहे हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में साल 2012-13 के दौरान हुए नियुक्ति घोटाले में तत्कालीन वीसी और वर्तमान में मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी पर लगे आरोप सही पाए गए थे। राजभवन द्वारा नियुक्ति में हुई अनियमितता की जांच का निर्देश दिए जाने के बाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ने इसकी जाँच की थी। राजभवन के निर्देश पर ही फरवरी 2017 में पूर्व कुलपति के खिलाफ सबौर थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच में उन पर लगे आरोप सही पाए गए थे, पर अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। केस दर्ज किए जाने के बाद भागलपुर के डीएसपी मुख्यालय रमेश कुमार केस के आईओ बनाए गए। लंबे समय तक उन्होंने केस की जांच की, कईयों से पूछताछ हुई और कईयों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। नियुक्ति घोटाले में प्रोफेसर राजभवन वर्मा, अमित कुमार और पूर्व कुलपति के भतीजे रमेश चौधरी को एसआईटी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रमेश चौधरी पर सुल्तानगंज थाने के कटहरा गांव के हिमांशु कुमार ने बहाली के 2 लाख का चेक देने का आरोप लगाया था। केस के आईओ रमेश कुमार को तारापुर का एसडीपीओ बनाया गया, जिसके बाद केस का आईओ डीएसपी मुख्यालय 2 सुनील कुमार को बनाया गया। क्या था मामला? बिहार कृषि विश्वविद्यालय में वर्ष 2012-13 में लगभग 160 असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर साइंटिस्ट की नियुक्ति में अनियमितता बरती गई थी। बहाली के लिए चयन समिति के अध्यक्ष और तत्कालीन कुलपति मेवालाल चौधरी ने प्रोफेसर राजभवन वर्मा को ऑफिसर इंचार्ज और अमित कुमार को सहायक निदेशक बनाया था। आरोप लगा था कि दोनों ने बहाली में धांधली की और पास अभ्यर्थियों को फेल कर वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया था। इसके बाद विश्वविद्यालय से बहाली से जुड़े कागजात भी गायब कर दिए गए थे। मामला सामने आया तो राजभवन के निर्देश पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ने इसकी जांच की थी। राजभवन के निर्देश पर फरवरी 2017 में पूर्व कुलपति के खिलाफ सबौर थाने में केस दर्ज किया गया। पूर्व कुलपति से भी एसआईटी ने पूछताछ की थी, उसके बाद वो भूमिगत हो गए थे और बाद में पता चला कि उन्होंने हाईकोर्ट से बेल भी ले लिया। नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की है, लेकिन जब वो 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो मेवालाल चौधरी को कैबिनेट में शामिल करने के बाद विपक्षी उनको लगातार घेर रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में सीटें कम होने से नीतीश पहले ही दुखी थे। ऊपर से कैबिनेट मंत्री पर लगे घोटाले के आरोप आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।